वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावनम वाचाकुवश कृपा सिंधुवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधव बृंदावई तुलसीदेव वै पिया वै केशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्गुरुन् दैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरंचनतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् पनतपाल भवद्विभूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरीजित गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुराग सुसागर सारमूर्ति साराधिका मयी कदा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनका बुदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विशांभरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि त्वं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भजभीषनाथं वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भक्ति योगेन मन
मनसि सम्यक् प्रणीतामले अपश्यत् पुरुषं पूर्णमयं च तदवाश्रयम् भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीतामले अपश्यत् पुरुषं पूर्णमयं च तदवाश्रयम् जया सन्महित जीव आत्मनम् त्रिगुणात्मकम् परो योपि मनुते अनर्थम् तत्कृतञ्चाभिः पद्यते जया सन्महित जीव आत्मनम् त्रिगुणात्मकम् परो योपि मनुते अनर्थम् तत्कृतञ्चाभिः पद्यते गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, जगत गुरु जी ने बताएं, एकमात्र महाभागवत वैष्णव छोड़कर किसी को विश्वास करना उचित नहीं है। 100% विश्वास करना उचित नहीं। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं, ये जगत में एकमात्र परम गुरु वैष्णव छोड़ के, महाभागवत वैष्णव छोड़ के दूसरा किसी को विश्वास करना उचित नहीं है। 100% विश्वास करना तो बिल्कुल उचित नहीं, क्योंकि अजितेंद्रिय व्यक्ति कभी भी गद्दारी कर सकता, चाहे पिता माता हो, भाई बंधु हो, कोई भी हो, कभी भी गद्दारी कर सकता, क्योंकि माया हर वक्त अपना प्रभाव लेके हर कोई का ऊपर माया का प्रभाव माया फैलाने के लिए कोशिश कर रही है हर वक्त। गुरु वैष्णव, परम गुरु वैष्णव, महाभागवत गुरु वैष्णव का विश्वास करने से कभी भी किसी भी हालत धोखा खाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कर्म मार्ग में विचरण करने वाले व्यक्ति अपने को मालिक समझता है, कर्ता समझता है। नरोत्तम ठाकुर भी कीर्तन में बहुत सारे सुंदर बहुत सारे चीज कर्म मार्गो ज्ञान मार्गो इत्यादि लेकर बहुत सुंदर कीर्तन किए। कर्मकांडो ज्ञानकांडो सकली विशेर भांडो नरोत्तम ठाकुर जी ने बताए, कर्मकांडो ज्ञानकांडो ये सब विष का भंडारा है। कर्मकांडो ज्ञानकांडो सकली विशेर भांडो है। आज जो लोग इसका ऊपर भरोसा करके आगे जाने का कोशिश करे तो भी मरेगा, क्या करे। तो कर्म मार्ग में विचरण करने वाले व्यक्ति का नाम है कर्ता, डुअरशिप, कर्ता अहम इति मन्नते, इस बात का आश्चर्य। प्रकृति क्रियामान अल्टीमेटली इसका चर्चा हो। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कर्मों और ज्ञान मार्ग बोलते जो पक्का ज्ञान का जो मार्ग है उसका बारे में काल भी बताया था। पक्का जो ज्ञान है, कच्चा ज्ञान नहीं है, वो पक्का ज्ञान क्या है, भक्ति देने के लिए आगे बढ़ रहा है। और एकदम पक्का जो ज्ञान है वो भक्ति का ही नाम है, एक ही है। भक्ति में ठाकुर जी ने व्याख्या में बताए हैं, ज्ञान और कुछ नहीं, भक्ति देवी का पीठ स्वरूप, भक्ति का आश्रय रूपी, जीवात्मा का सत्व शुद्धि, समझा कि नहीं, अंतरात्मा का सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि का मतलब
सत्व शुद्धि का मतलब क्या है? ये त्रिगुणात्मक ये जो जगत है इसमें कोई आदमी को ही ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ये तमोगुणी है। हाँ तमोगुणी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, ये तो जरूर बोले, लेकिन इसका साथ साथ ये विचार करना चाहिए किसी का अंदर में भरपूर तमोगुणी नहीं हो। तमोगुणी के साथ रजोगुणी का मिक्सिंग होता है और थोड़ा बहुत होने से भी परसेंटेज सतोगुणी सतोगुण रहेगा। कहने का मतलब है ये जगत का जो भी आदमी तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सतोगुणी हो, ये इसका साथ मिक्सिंग रहता है, वो एडमिक्सचर है, वो डिपेंड करता है उसका पूर्व संस्कार कैसा है, उसी का मुताबिक उसका तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण थोड़ा बहुत कम है और सतगुण नाई का बराबर, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भरपूर तमोगुणी है और कोई रजोगुणी है तो भरपूर रजोगुणी है और कुछ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। सिमिलरली किसी को अगर सतगुण बोला जाए तो सदगुण का मतलब ये नहीं कि उसका अंदर में सतगुण है और तमोगुण बिल्कुल नहीं है, रजोगुण बिल्कुल नहीं, ये हो नहीं सकता। तो सतगुण का साथ भी उसका रजोगुण का मिक्सिंग है और तमोगुण का मिक्सिंग है, हाँ ये हो सकता है। प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर प्राधान्य है सतगुण का, ये हो सकता। अब ये सत्व शुद्धि का जो विषय आता है जीवात्मा का, जो ज्ञान के द्वारा, जब ज्ञान पक्का होता है इसके द्वारा सत्व शुद्धि हो जाता है। सत्व शुद्धि का मतलब सतगुण का प्यूरिटी, परफेक्शन। कहने का मतलब है सतगुण रह जाए और बाकी गुण वे एकदम वैनिश हो जाए। आई बात समय में, इसको सत्व च शुद्धि परमात्म भक्ति ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम, ये जो श्लोक बताया था ना, अविश्रुति कृष्ण पदार विंदयो खिनोति अभद्राणी चसंतनोति चतुस्सतस्व सप्तस्व शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम। जो ज्ञान जो है एकदम जब एकदम फाइनल स्टेज में पहुंचे ये सत्व शुद्धि बना देंगे। अभी प्रमाण दिखाया हमने भागवत से ही, और ज्ञान आगे बढ़ती हुए भक्ति का साथ एकाकार हो जाता, तब भक्ति और ज्ञान में कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि इसका ज्ञान जो है ये भक्ति का ही अनुकूल है। भरपूर जिसका बारे में मैं याद दिलाना चाहूँ, श्री रूप गोस्वामी पाद का जो जो श्लोक है ना, वो जो जिसमें रूप गोस्वामी पाद ने बताया शुद्ध भक्ति कैसा है, इसका बारे में युक्ति दिखाया, और इस श्लोक का चर्चा बहुत बार हो चुका है पहले। रूप गोस्वामी पाद शुद्ध भक्ति का बारे में जो व्याख्या दिया है, इसको चर्चा करने से समझ में आएगा। और इसमें क्या है, ज्ञान इसमें बताया, जो वो जो आपका भक्ति का बारे में बताया, कर्म का भक्ति का बारे में बताया, जो बिल्कुल इसमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जो भक्ति का अनुकूल नहीं, जो भक्ति का अनुकूल नहीं है वो ज्ञान जरूरी है नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इसका मतलब है ज्ञान जो आपका भक्ति का अनुकूल नहीं है और कर्म जो है जो बाहरी दृष्टि में कर्म लगता है, ज्ञान
कर्मादि अनावृत, वो कर्म जो है जो भक्ति का अनुकूल है, मतलब जो भक्ति भक्तों लोग जो कर्म करते रहते हैं ये कर्म नहीं है बाहरी दृष्टि में, जो कर्म है भक्ति का अनुकूल है उसमें माना नहीं है, उसमें माना नहीं। इसलिए ज्ञान ज्ञान कर्मादि अनावृतम बताया। अन्नाभिलाषित शून्यम, अन्नाभिलाष का बारे में बताया, अन्नाभिलाष नहीं, अन्नाभिलाषिता मतलब एकदम एकदम रूट कॉज को उखाड़ने का व्यवस्था किया। अन्नाभिलाष नहीं, अन्नाभिलाष अभी गया फिर अन्नाभिलाष आएगा, अन्नाभिलाषिता उसका जो रूट कॉज को उसको इरेडिकेट करके फेंक दो, कोई भी अन्नाभिलाष नहीं चले भक्ति का रास्ते में, शुद्ध भक्ति का रास्ते में। अन्नाभिलाषित शून्यम और ज्ञान कर्मादि का बारे में ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बताए, क्योंकि ज्ञान कर्मो ज्ञान जो है भक्ति का अनुकूल जो है वो तो जरूरी है, भक्ति का चर्चा करना है तत्व ज्ञान को समझना है इसके बारे में माना नहीं है। ये हो सकता है कि नाम भजन के द्वारा ये महात्मा ऐसा स्टेज में पहुंच गया जो बाहरी दृष्टि में प्रवचन नहीं करते हैं लेकिन तमाम तत्वों का ज्ञान इसका अंदर में है, क्योंकि भगवान का चरण इसका हृदय में बैठा हुआ है। जैसे गौरकिशोर बाबा बाहरी दृष्टि में प्रवचन नहीं दे लेकिन तमाम तत्व ज्ञान उसका अंदर में है, क्योंकि भगवान है, भगवान को जय कर लिया ना। तो ये सब बातें जो है वो सब गहरा विचार है। तो अभी जो विचार हो रहा है अनुकूल ओ अन्नाभिलाष है तो शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम वाला अनकवर्ड, ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बताए क्योंकि शून्य होने से होगा नहीं ना। ज्ञान कर्मादि भक्ति का अनुकूल वो ठीक है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम और अनुकूला भक्ति किसको बताया जाता है इसका गहरा विचार जो अगर जाए तो ये तो अभी गीता का विचार हो रहा है। फिर भी अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम अनुशीलन, ये अनुशीलन धातु शील धातु इसका मन में बहुत डेलिकेट है, बहुत सॉफ्ट है और अनुगत्य के द्वारा गुरु वैष्णव के अनुगत्य के द्वारा अनुशीलन रिपीटेडली प्रयास प्रचेष्टा में लगे रहे टू रीच द टारगेट ऑफ भक्ति प्योर भक्ति। तो अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा हमारा गौड़ीय वैष्णव समाज का व्याख्या ही है, गौड़ीय वैष्णव समाज का गोस्वामी लोगों का व्याख्या ये है भक्ति में ठाकुर आदि अनुकूला राधा रानी, हम कुछ नहीं जानना चाहते अनुकूला राधा रानी हैं। और राधा रानी का जो विचार है जो सेवा है सब कृष्ण का एकदम 100% पसंद है। तो ये हमारा गौड़ीय समाज का सीक्रेट विचार, इसमें अभी जाने का दरकार नहीं है। तो ये जो जीवात्मा का सत्व शुद्धि इसका मतलब है भक्ति प्राप्त करने का, भक्ति प्राप्त करने का ओर बढ़ा जा रहा है ये बात है। और पापा जी कह रहे हैं ये एक कर्म जो है अमंगल का रास्ता है, इसमें मंगल मंगल क्या, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुरध्वजा है ना। ये तो है लेकिन मंगल का मतलब ये है भक्ति, मंगल का कोई डेफिनेशन गौड़ीय मठ में चलता नहीं, मंगल का मतलब यही है भक्ति का रास्ता बस। तो कर्म का रास्ता प्रभात वाले या मंगल, इसमें मंगल व भक्ति का कोई बात नहीं। और तमाम दुनिया एक व्यक्ति नहीं है, हु नॉट एवरीबॉडी, तमाम दुनिया कर्म को ही बड़ा मानता है। अरे काम नहीं करेगा तो चलेगा कैसे हैं? प्रभात कह रहे हैं कि कर्मों का टारगेट रखकर अपना सामने कर्मों का एक टारगेट रखकर दौड़ रहा है अमंगल का ओर, जबकि शास्त्रों का विचार में देखा जाता है
अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति नहा अर्जुना, और सारे अमंगल का रास्ता है। हम लोग सत्कर्म करना चाहते हैं, सत्कर्म मतलब कुछ दान पूर्ण करे, कुछ करे, उसमें हमारा स्वर्ग आदि मिले, एंजॉयमेंट मिले, हैं। हम लोग सत्कर्म करके सब कोई के समाज का, समाज का जो व्यवस्था है वो समाज का व्यवस्था ऐसा है, कोई सत्कर्म करे तो उसको प्रशंसा करेगा। तो इसी रास्ता में हमको जाने का इच्छा होता है, क्यों आदमी सब आदमी हमको जयकारा देगा, आ महाराज क्या किया है आपने, हैं। कोई भी कर्म हो, सब आदमी सत्कर्म करने के बाद अच्छा कर्म करके समाज में नाम कमाना चाहता है, अपना रिश्तेदार रिलेटिव्स आदि सब कोई है, सब कोई का प्रीति आकर्षण करने के लिए व्यस्त है। प्रभात कहते हैं इसमें हमारा कभी भी जिंदगी में मंगल होने का कोई शांति, मंगल या तो शांति होने का कोई व्यवस्था नहीं है। इसी रास्ते में कभी भी संसार से छुटकारा मिलने का कोई व्यवस्था है नहीं। भक्त लोग जो कृपा करके हमको बता रहे हैं, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा छोड़ के कोई ऐसा है नहीं। भक्त्या अहम एकया लभ्या, भक्ति के द्वारा अर्थात सेवा का द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं। हमारा जीवात्मा का, सब जीवात्मा का एक ही कर्तव्य है भगवत सेवा, लेकिन किसी को याद नहीं। देवता लोग, पशु पक्षी, मानुष, सब कोई का कर्तव्य एक ही है, पोपत कह रहे हैं भगवत सेवा। लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं कोई आदमी, पहले महाराज शादी किया और बाल बच्चा पैदा किया, अभी हमारा कर्तव्य है, पुत्र कन्या है, तो क्या हम कर्तव्य नहीं करें, क्या कहना चाहते हो? ये लोगों के लिए सिक्योरिटी जरूरी है ना, है सिक्योरिटी करना है, डिपॉजिट करना है मनी फनी। अब हम पुत्र हुआ है, पिताजी बुढ़ापा में आ गया, उसको देखना है ना, ये सब कर्तव्य है। बहु संकल्प हो, बहु संकल्प हो, बहु तरह तरह का 5 ईयर्स प्लान बना के बैठा हुआ है हृदय में। प्रभात कहते इसी का नाम अवैष्णवता है, इसी का नाम है भगवत विमुखता, इसी का नाम है माया का दास्य, इसी का नाम है माया का दास्य। क्या कहे, कोई सुनने के लिए तैयार है नहीं। जो श्लोक देके शुरुआत किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है भागवत जी महापुराण का। इसमें व्यासदेव जी महाराज दर्शन किए, व्यासदेव जी महाराज सक्तावेश अवतार, भक्ति योगे न मनसि सम्यक् प्रणीत अमले, भक्ति योग का प्रभाव के द्वारा शुद्धि हो तो एकदम। काल ये प्रश्न उठाया था ना, ये कैसा अजीब सा प्रश्न कर रहा है नारद जी महाराज वैष्णव जी को, आपका शरीर और मन का साथ सुस्त है ना, सस्त है ना, अब हम लोग पूछते रहते हैं कैसे हो, और नारद जी पूछते रहते हैं आपका शरीर और मन का साथ आप सुस्त हो ना, सस्त हो ना, तो ये सब माने क्या है। अभी ये क्षेत्र क्षेत्र को इसमें जो सुन रहा है, विचार बना के सुन रहा है, तो उसको समझ में जरूर आएगा। तुम्हारा ये तो माने तो है, पूरा समझ में आ रहा है अभी। तो भक्ति योगे न मनसी सम्यक् प्रणीत अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मयांच तदपाश्रय। भक्ति योग का प्रभाव के द्वारा शुद्धिभूत मन संपूर्ण रूप में समाहित होने का बाद वैष्णव जी के सामने प्रकट हो गया कांति। वैष्णव भगवान का कांति, अंग ज्योति कांति, अंश और सरस स्वरूप शक्ति समन्वित तो कृष्णों को दर्शन किए, और कृष्णों का पीछे गर्हित रूप में, जैसे कोई
कोई अपराध करने से सर झुका के बैठती है ना, ऐसा माया भगवान के पीछे गर्हित रूप में आश्रित माया को भी दर्शन की है। ये माया क्या माया है? वो महामाया, महा महा महामाया को दर्शन किए, जिसका बारे में ब्रह्म संगीता का बात उठा के बहुत बार कह चुके हैं, और चंडी में भी है, हैं? जा देवी सर्वभूते से जो है शक्ति रूपे ने संस्थिता है ना, ये सब जो है चंडी पाठ में, ये भी ये माया। और ये जो माया का बात है, ये माया ये बड़ा प्रभावशालिनी प्रभावशालिनी है। जया सन्महित जीवा, इसके द्वारा ही जीवात्मा जो है, चिन्मय जीवात्मा जो है, वो जया सन्महित, जया माने जिसके द्वारा, जिसके द्वारा तृतीया है, तृतीया विभक्ति जया, देव्या जया ततम इदम है, ये जो श्लोक है चंडीपाट में, जगदात्म शक्त्या है, देव्या जया ततम इदम जगदात्म शक्त्या निशेष गण शक्ति समूह मूर्ता तमाम बीकम अखिल देवर्ष है, देवर्ष पूज्याम, ये जो है ये जो चंडी का श्लोक है। तो ये जो जया सन्महित तो जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम परोपी परोपी मनुष्य अनर्थम तत्कृतं चाभी पद्धति। असली बात ये है कि जीवात्मा चिन्मय वस्तु है, चिन्मय वस्तु का कोई माया का साथ प्रभाव कुछ है नहीं, लेना देना ही है नहीं, काय का लेना देना, ये चिन्मय वस्तु है, जड़ वस्तु है, बार भी पहले भी कह चुका बोलवा, काय का रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है, ये चिन्मय वस्तु है, जड़ वस्तु है, काय का रिश्ता है। जीवात्मा का जो चर्चा हुआ था इस बारे में, इस बात को उठाया था, जो जीवात्मा चिन्मय वस्तु है, इसका साथ माया का कोई संबंध नहीं है, जड़ वस्तु का फिर भी हो गया, कैसे? भले इसका कारण यह है, ततस्थ भाव है जीव का, ततस्थ भाव होने का कारण इसका पावर एकदम इन्फिनाइटिसिमल, इतना खुद क्षुद्र है ये बताना मुश्किल है, इसलिए माया का प्रभाव में आ जाता है, माया का पकड़ में आ जाता है, नहीं तो माया का पकड़ में आने का कोई सवाल ही नहीं, लेकिन आ जाता। और माया का बारे में विष्णु पुराण का श्लोक उठा के याद करके देखना, बार बार बताया, विष्णु शक्ति पराप्रक्ता, ठीक है ना, विष्णु शक्ति पराप्रक्ता क्षेत्रज्ञाख्या अथा अपरा, क्षेत्रज्ञाख्या अथा अपरा अविद्या कर्म संज्ञान तृतीया शक्ति रिषते, चित शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति, माया शक्ति अपरा शक्ति। लेकिन जगत जो परिणति है, जगत का जो क्रिएशन हुआ है, प्रधान है ना, प्रधान से आया ना, प्रधान मतलब इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेटेरियल कंस्ट्रक्शन, ये जड़ जगत का जितना सारे पहाड़ नदी झील जो कुछ भी बना, इंग्रेडिएंट चाहिए ना, मसाला चाहिए ना, किससे बनाएगा, बिल्डिंग बनाने से ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, हैं बालू चाहिए, तो ये इंग्रेडिएंट्स है। और मां अध्यक्ष ना प्रकृति स्वेत चराचरम, जो बात बताया, भगवान विष्णु का साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो नहीं सकता, सिर्फ इतना ही है, भगवान प्रकृति का ओर नजर उठा के थोड़ा देखा दूर से, उसमें क्या है, जितना सारे चिन्मय जीव है पूर्व कल्पों का सोया हुआ है, सबको प्रकृति का गर्भ में फेंक दी, फेंकने का बाद प्रकृति अब मैटर है, फिर भी
भगवान का शक्ति का दौरा थोड़ा होता है। अब ये धीरे धीरे अपना हर जीवात्मा को अपना कर्मफल का अनुसार अपना अपना एक शरीर को दे देते हैं सुख दुख को भोगने के लिए, नहीं तो होगा नहीं। सुख दुख भोग अभी आएगा ये श्लोक, ये सुख दुख भोग करने का जो विषय है प्रकृति तो जरूर उपाय है। प्रकृति का असर इसलिए है कि भगवान का शक्ति क्रियामान है इसमें, प्रकृति जड़ वस्तु है और सुख दुख का भोगने का जो जो सवाल आता है ये प्रकृति जड़ा वस्तु है, इसका सुख दुख, इसका सुख दुख का क्या लेना देना है। और जीवात्मा जो है ये चिन्मय है, वो कोई डिसीशन ले सकता है, संकल्प ले सकता है, संकल्प को तोड़ सकता है, इसका अंदर में ख्वाहिश हो सकता है, कुछ करने का इच्छा है, ज्ञान, जीवात्मा ज्ञानमय वस्तु है, फिर भी कवर्ड है, कवर्ड अब है ना बताया है, ज्ञानमय और चिन्मय, और इसका अंदर में कुछ करने का ये सब जो सवाल है, सुख दुख भोगने का जो रिस्पॉन्स है, ये चिन्मय आत्मा छोड़ के किसका हो सकता है। क्या ये ईंट पत्थर बताएगा हम दुखी है, एक पत्थर पड़ा हुआ बोलेगा हम दुखी है। इसका मतलब ये है को जो सुख दुख का बात है, कोई डिसीजन लेने का इच्छा है, जो कुछ भी है, ये चिन्मय जीवात्मा का विषय है। जीवात्मा यहां बताया भागवत का ये जो श्लोक जो है, जयासन्मही तो जीवो, जयासन्मही तो जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम परो योगी, त्रिगुण त्रिगुणात्मक प्रकृति का परे वस्तु है जीवात्मा, फिर भी मनुते अनर्थम, फिर भी ये सुखी दुखी ये जो मानता है अपने को, ये जो अभिमान है ना अपना प्रकृति का जो शरीर पकड़ा जड़ शरीर, और अपना को जब भी त्रिगुण का अतीत वस्तु है, फिर भी सृष्टि श्रुति लय का अंतर्गत प्राकृत बोल के अपने को मानता है। और ये त्रिगुण या तो प्राकृति का अभिमान, ये अभिमान जो है सतरज तम गुण का जो जो खेल है, इस वन के अंदर मैजिक स्पेल जादू डालता है, ये त्रिगुण या तो प्रकृति ही ये नचाता है, ये त्रिगुण या तो ये जो प्रकृति है सतरजतम गुण जो है प्रकृति का गुणावली है, ये जीवात को जीवात्मा को नचाता, भूतों का मापी नचा रहा है। और ये बंधन का कारण अभिमान वसतो जितना सारे अनर्थ आप पहुंचता है, जितना सारे अनर्थ अनर्थ मिलता है ना, सारे इसी कारण है और कुछ नहीं, यही कारण है और कुछ कारण नहीं है। काल चर्चा हुआ था इस विषय को हम नहीं उठाएंगे आज। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञान चोक्तम समासतः मद भक्त एतद विज्ञायो मद भावयो उपबद्ध थे, ये बात को काल चर्चा किया था भगवान कह रहे हैं। तो हम तुमको इस विषय में क्षेत्रों क्या है, क्षेत्रों को क्या है ये सब, और ये इसको क्षेत्रों क्षेत्रों को जो ज्ञान है, ये सब ज्ञान प्राप्त होने के बाद मदभाव मदभावयो उपपद्यते ये सब कैसे होता है इसका चर्चा किया। ओ भी समासतः इन जिस्ट हमने बताया तुमको। और आगे चलकर 19 नंबर श्लोक में ये विचार आता है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनाधि उभौ अपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। ध्यान देना, प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि
प्रकृति संभवान कहने का मतलब है प्रकृति और पुरुष जो है ये दोनों ही अनादि है। माया का भी माया कोई एंडलेस माया, भगवान अनादि है, जीव अनादि है, माया भी अनादि है। फॉलो, प्रकृति एवं पुरुष ये दोनों ही अनादि, ये समझ के रखना। और विकार और गुण जितना भी पैदा होता है भूतों का मापिक नचा रहा है जीवात्मा को, ये सब विकार और गुण सारे प्रकृति का ही है, चिन्मय आत्मा का नहीं है, सारे प्रकृति से ही पैदा हुआ है। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुई है। भक्ति में ठाकुर जी का कहना है बहुत सुंदर, क्षेत्रज्ञान के द्वारा क्या लाभ हो सकता है, व्हाट इज द नेट आउटकम, क्या फल होगा, इसका बारे में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। जरोबद्ध जीव का सत्ता में तीन तत्वों का उपलब्धि होता है, ये सब कोई को मालूम हो। जड़बद्ध जीव का सत्ता में विशुद्ध जीव का सत्ता में नहीं, विशुद्ध जीव का सत्ता में भक्ति छोड़कर कुछ नहीं। ये जड़बद्ध जीव का सत्ता में तीन तत्वों का विषय आता है, एक है प्रकृति है, दूसरा है पुरुष और परमात्मा। जब भी परमात्मा को भी पुरुष माना जाए फिर भी हम अलग से दिखाए क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है। एक पुरुष है शरीर का अंदर जो जीवात्मा है, क्षुद्र जीवात्मा है, इसको पुरुष क्यों बोला, भले ये जो कामना वासना लेकर मैं भोगता हूँ, ये जो पुरुषाकार मैं करता, मैं भोगता, एंजॉयर, इसलिए इसको पुरुष बोला है। पूरे देहे बसती इति पुरुषः, पूरे मतलब शरीर में बैठा हुआ जो जीवात्मा चिन्मय आत्मा, उसका माया के द्वारा कवर होने का कारण पूर्व संस्कार पे अभी पता नहीं, उसका ध्यान नहीं है कुछ। अब आपने को भोक्ता मानता है इसलिए ये भी पुरुष है। कहने का मतलब है शरीर जीवात्मा का शरीर का अंदर दो पुरुष बैठता, एक पुरुष है जीवात्मा पुरुष, एक है परमात्मा पुरुष। परमात्मा पुरुष जो है इसका कंट्रोल में बारीक प्रभाव है, जब भी जीवात्मा पुरुष का इच्छा का मुताबिक कुछ कर सकता है, बट द अल्टीमेट रिमोट कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ परमात्मा, वो भी कुछ करना नहीं चाहता। रिमोट कंट्रोल में जो तू अपना कर्म कर और उसके बाद फल तो लेना है मेरे से, फल कहाँ से मिलेगा, फल का देना दाता तो भगवान, न आदत्त कस्यचित पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञानेन अवृतम ज्ञानम तेनमुज्यन्ते, भगवान कुछ नहीं बताएंगे क्या। भगवान तो पहले से शास्त्र में बता दिया, मेरा पास आ जा, तेरा काम है मेरा पास रहना, बोले नहीं आएंगे, भगवान क्या कर सकते। भगवान किसी का इंडिविजुअल जो लिबर्टी है उसका ऊपर हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। इसमें स्वतंत्रता दिया गया और तू अभी अपना स्वतंत्रता का मिसयूज कर और सही ढंग से यूज कर, वो अपना अपना कर्म भूले। तो जड़ोबद्ध जीवों का सत्ता में तीन तत्वों का अनुभव होनी चाहिए, एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष और तीसरा है परमात्मा। हर क्षेत्रों आपका शरीर है और किसी का शरीर है, जो कुछ भी कुत्ता बिल्ली का शरीर है, हाथी का, जो भी है, तमाम क्षेत्रों, आई बात ना समझ में, क्षेत्रों मतलब जो शरीर पकड़ा है, जब पंचभौतिक शरीर हाथी पकड़ा, घोड़ा पकड़ा, शेर पकड़ा, जो भी शरीर पकड़ा पंचभूत,
और समस्त क्षेत्रों ये प्रकृति है, काल चर्चा किया था याद है ना, तमाम शरीर जो है कुछ नहीं है, ये पांच भौतिक शरीर प्रकृति है, एक प्रकृति दूसरा प्रकृति को भोगना चाहता है। अरे एक प्रकृति है वो अपने को मानता है जनानी, और दूसरा प्रकृति है वो अपने को मानता है मर्दान मर्दाना, ऐसा करता है भूतों का मापिक। तो तमाम क्षेत्रों जो है इसका नाम है प्रकृति, और जीव जो है ये पुरुष है जीव, और परमात्मा जो है अजीव पुरुष एवं परमात्मा, ये दोनों का भगवान जीव जीव है जो पुरुष है परमात्मा, ये दोनों ही आया है मामी वंश जीव लोग जीव भूत सनातन तदुभय आविर्भाव। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि, प्रकृति और पुरुष और भगवान के बारे में कहना ही क्या है, भगवान तो अनादि है, अनादि निधनम हरिम वो तो यही है। जो प्रकृति और पुरुष दोनों के बारे में चर्चा हो रहा है, अनादि है इन्फिनिटी फ्यूट, इसका कोई कब शुरू हुआ है क्या हुआ है उसका कोई क्वेश्चन नहीं है। आई बात समझ में, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है, और जोड़ियो मेटेरियल जो टाइम पीरियड है इसका पहले से ही है, तो कौन कौन उसका विचार बनाने जाएगा कब हुआ है। जब बोला है जरो समय जो है इसका पहले परम अस्तित्व स्वरूप चिन्मय अखंड काल में हमारा शक्ति है थी, हम भगवान कह रहे हैं चिन्मय अखंड काल जो है और हमारा शक्ति से ही ये दोनों आया है, विष्णु शक्ति परापरता क्षेत्रज्ञाख्या अथ अपरा अब है बताए ना, विष्णु शक्ति परापरता क्षेत्रज्ञाख्या अथ अपरा अविद्या कर्म संज्ञान तृतीय शक्ति ऋषि। जड़ा प्रकृति भगवान कह रहे हैं जड़ा प्रकृति मेरे से लीन था, काल वेदस्तुति का बताया था ना याद है, काल जय 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 याम युत, इसमें गीत तमाम शक्ति को इकट्ठा करके भगवान अपना अंदर में समाहित करके अभी विराजमान है। जब कोई समय नहीं है बाहरी मेटेरियल टाइम का कोई आविर्भाव नहीं, भगवान समा गया, सारे प्रकृति भी समा गया, जीवात्मा जितना देर पूर्व कर्म में सब है, और जब कार्यकाल उपस्थित हुआ भगवान का इच्छा एक व हम बहुस्वाम, इस समय में भगवान धीरे धीरे भगवान से कैसे क्या होता है सारे सृष्टि का रहस्य का बारे में पहले थोड़ा चर्चा हुआ था। तो कार्यकाल का सृष्टि का जो समय आएगी उस समय फिर ये सब प्रकाशित हो जाएगा, और जीव हमारा नित्य शक्तिगत तत्व है, जीव शक्ति चित शक्ति और माया से सारे भगवान से ही आए, और हमसे विमुख होने के कारण ये जो जीव मेरा नित्य शक्तिगत तत्व है, लेकिन मेरे से विमुख होने के कारण जरा प्रकृति का इन्फ्लुएंस में आ गया। जीव वास्तविक रूप से शुद्ध चित तत्व, इस जीव में मोदिया परशक्ति क्रम में एक टू ततुष्ट भाव हुआ, परशक्ति है इसमें अपना अपना एक हिसाब का मतभाग इच्छा और स्वतंत्रता थोड़ा दिया गया ततुष्ट भाव नहीं तो, तो ततुष्ट भाव इतना जीवात्मा इतना वीक है, कभी भी सामने कुछ प्रकृति का प्रभाव आ गया जब भी जड़ और क्या, तो ये इसका प्रभाव में आ सकता है, इतना वीक है इसका पावर नहीं है। जब गुरु की पा मिलता है
तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा के द्वारा माया माया जय करना आसानी होता है। इसका पहले संभव नहीं होता। गुरु कृपा ही सबसे बड़ा। रजस तमश्च सत्येन सत्यं च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुषो ही अंजसा जयेत। याद है ना, मैं भी 8 महीना 1 साल पहले भी चर्चा किया था। रजस्तमच सत्येन, रजतमो को सतगुण के द्वारा डिफिएट करो, काबू में लाओ। रजस्तमच सत्येन, असत्य को भी छोड़ो। सत्यं च उपशमेन च, उपशम मतलब उपशम का डायरेक्ट मीनिंग होता है ट्रीटमेंट। ये उपशम का इधर माने हैं गुरु सेवा। उपशमेन एकादशी पालन करो, गुरु जी का भगवान का सेवा करो, गुरु इसका उपशमेन च। उपशम इट्स वन काइंड ऑफ मेडिसिन, जिसके द्वारा अपना अंदर में जितना अनर्थ है उसको भगाया जाए। अनर्थ उपशमम साक्षात, ये जो बताया ना वो कई सारे श्लोक बताए हमने। ये अनर्थ जाने वाला ये मेडिसिन है ये, ठीक है। चलो अब इसमें चिन्मय आत्मा का इतना पावर कम है, वो है तो चिन्मय। ये प्रकृति, प्रकृति मतलब सामने एक तो लड़की आ गई, बस प्रभाव में आ गया। जब ये क्या देखा, ये क्या देखा, प्रकृति देखा। क्या इसका अंदर में ये पावर आया कि वो जनानी का अंदर में जो जीवात्मा है उसको देखते देख नहीं सकता। ये तो एकमात्र महान गुरु वैष्णव दे सकते। इससे इसका माया का कोई प्रभाव असर नहीं पड़ता। क्यों? ये तो प्रकृति का जो डिस्प्ले है, जो मार्केटिंग है, न्यू मार्केट से भी ज्यादा है। ये इतना सुंदर मार्केट है ना, जमा के बैठी है प्रकृति। कोई कभी किसी भी हालत में फंस जाए, मायादेवी का मार्केट बड़ा है। तो कोई अरकर जवानी के लिए दीवानी वो जो हो गया, इसका मतलब क्या है, क्या देखा, क्या देखा, प्रकृति देखा ना, शरीर देखा, आत्मा तो नहीं देखा। आत्मा कब देखेगा? आत्मा अवश्यम इदम सर्वम यत किंचित जगतम, कब आत्मा दर्शन हो? जब उसी अवस्था में पहुंचे तब चारों ओर आत्मा देखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो एक माया प्रकृति, दूसरा प्रकृति का कबल। बस प्रकृति अपना अपना टक्कर में, प्रकृति का जो त्रिगुण है ये भी जड़ा है, सारे मैटर है। भगवत गीता में पहले बताया था ना, प्रकृति अष्टधा, याद है ना, अहंकार इतियम में प्रकृति अष्टधा। ये सारे विचार करके देखो, सारे तो प्रकृति का अंदर में मैटर है। प्रकृति अष्टधा, मेरा प्रकृति 8 डिफरेंट यू नो भाग से डिविजन होकर काम कर रही है। भूमि राप अनल वायु खं मन बुद्धि रेवच अहंकार इति अंग में प्रकृति अस्त। तर तमाम ये प्रकृति का ही प्रभाव है। भगवान पहले से करके रखा है। ये क्या है, ये सारे जो हमारा जो इंटेलेक्ट है या किसी का इंटेलेक्ट जड़बद्ध अवस्था में, सब जड़ है। बुद्धि जड़ है, मन जो है ये जड़ है। मन को चिदावास बोला गया फिर भी जड़ है। तो सारे जड़ है, भूमि राप अनल वायु खं मनो बुद्धि रेवच, सारे जड़ है। लेकिन जड़ तो लगता नहीं, लगता नहीं, लेकिन जड़ है। तो एक प्रकृति दूसरा प्रकृति को देख के टूट पड़े, धक्का मुक्की, कुछ नहीं है, हैं? लड़ाई शुरू हो गया, कुछ नहीं है, कहां से क्या हो गया, छोटे मोटे विषय है, बल लग गया लड़ाई धूम धड़ाका। ये एकदम रसोई घर में ये डब्बू हाथा उठा के मारना शुरू कर दिए। अरे ये प्रकृति क्रिया माना है। आज जो महान महात्मा है क्या देखेगा, प्रकृति क्रिया बने। प्रकृति का एक गुण दूसरा गुणों के साथ टक्कर खा रहा है। जैसा समुद्र का लहर है ना, एक लहर बड़ा आया, लहर आया, दूसरा लहर आके धक्का मुक्की, बस
ऐसा ही मानो चल रहा है सारे। तो ये प्रभाव इतना हल्का है, इतना वीक है, जो जड़ प्रकृति का अंदर ये प्रकृति का ये सब देखकर इसको एंजॉयमेंट लगता है। और एंजॉयमेंट का जो मसला है, ये प्रकृति देने के लिए तैयार है, ले 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 ले, कितना कितना चाहिए बोल, ले 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 और ले। प्रकृति ने, प्रकृति तो प्रकृति है ना, उसका मार्केट खोल के रखा है, चलो जिसका जितना मर्जी ले लो, एंजॉय करो और जाओ जहन्नुम में, जाओ चूल्हे में जाओ। तो ये जड़ा प्रकृति का अंदर में घुसने का एक एक ततोष्टा धर्म जो है इसका अंदर में, ये भी ततोष्टा इसीलिए बोला, जब जीवात्मा ये अपने को सुइटेबल मान सकता है प्रकृति में और चिन्मय जगत में जाए वहां भी सुइटेबल मान सकता है, ये दोनों किसी, इसीलिए ततोष्ट माना है, हैं उपयोगिता है दोनों साइट पे। चित्त तत्व कैसे जड़ों में बद्ध हो गया महाराज, चित्त तत्व तो है कैसे जड़ों में बद्ध हो गया, ता भक्तिमठो कह रहे ये तुम्हारा जो मेटेरियल ब्रेन है, मेटेरियल इंटेलेक्ट है, मेटेरियल ज्ञान है, मेटेरियल विचार रैशनैलिटी, इसके द्वारा तुम समझ नहीं पाओगे ये भगवान का आश्चर्य महिमा प्रभाव है, ये कैसे हो गया महाराज। बोले ये अपना विचार लगा के, अपना बुद्धि लगा के, अपना कुछ भी तरीका से आप सॉल्यूशन में आ नहीं सकते, यू कैन नॉट कम टू एनी कंक्लूजन, आपको शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा, पहले तो गुरु वैष्णव का कृपा, उसके बाद शास्त्रों का विचार, जिसका बारे में चैतन्य चरितामृत में पहले ही ऐलान कर दिया, सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलौस, कौन सुनने जा रहा है, किसका पास टाइम है, हैं किसका पास टाइम है, चैतन्य चरितामृत में पहले ही ऐलान कर दिए, जो सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलौस, यहां वही थे किसने लागे सुधीरो मानोस, सिद्धांत तो अरे महाराज बड़ा कठिन है, कौन जाए माता पीजी है, ये नहीं तो वो है, वो नहीं तो वो है, कौन विचार करने जाए, बड़ा दिक्कत है, छोड़ दो महाराज, ये प्लेन हरिकथा है, थोड़ा गाना हुआ है वो अच्छा है, हारमोनियम दे के गाना शुरू कर दिया और चल रहा है, बरसाना में लड़की लोग नच रही है, बस अच्छा है, यही अच्छा है, ये सत्संग है, इससे बढ़कर सत्संग क्या है, दोनों हो रहा है ना, मेटेरियल एंजॉय, मेटेरियल मन का खुराक भी आ रही है, ये है पब्लिक का ये विचार है, इसलिए अनंत काल ऐसे हरिभजन करते रहे तो मैं झूठा नहीं बोल सकता, ऐसे करने से कभी छुटकारा नहीं है, हम धोखेबाजी में डालना नहीं चाहता, ऐसा अगर चलते रहे हमारा बात चलते रहे, दोनों ही चले महाराज, क्या है क्षति नुकसान क्या है, यही चले ये भी चले, वो कभी अनंत अनंत काल ऐसे चलते रहे तो मैं कभी धोखा नहीं दे सकता, ऐसे चलेगा नहीं, ऐसे कभी भी अपना समाधान होने से माया का बाहर जा नहीं सकोगे, भगवान का भक्ति तो दूर की बात है। तो ये जो है इसमें ये सब विचार बनाया, तो बद्ध जीव का जो विकार है और प्रकृति जो प्रकृति का जो गुणावली है सत्व रजतम गुण, जिसके द्वारा एक दूसरे का साथ टक्कर खा रहा है, जैसे महाप्रभु जी ने बताया चेतो दर्पणम अर्जुनम भव महादवाग्नि निर्वापनम, ये क्यों बोला महाप्रभु, बोले चेतो दर्पणम अर्जुनम भव दमाग्नि, एक एक सूखा लकड़ी का साथ दूसरा में घर्षण हुई और आग जल गया, ब्रास्ट हो गया, वो टक्कर चल रहा है, ये प्रकृति क्रिया मान है। एक छुरी देखे मैंने कुछ सब्जियां मान किया, क्या छुरी, छुरी तो कटा है, कटा कौन है, मैं कटा है, मैं ही कटा, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट है, छुरी तो कटा है, छुरी कटा ना, मेरा शरीर तो नहीं कटा छुरी, तो इट्स वन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बाहरी दृष्टि में बोला किससे कटा, छुरी भी कटा,
आदमी तो बोलेगा ही, ठीक ही है बात, झूठा नहीं है। तो ऐसा ही प्रकृति किया मानने का जो भाव है इसको हम स्थापित करेंगे विचार करते करते। तो ये जो पहले समझो आप, जब प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। तो जो विकार है प्रकृति का, और ये हमारा शरीर का विकार, मन का विकार, सभी प्रकृति का विकार। हमारा मन खराब है हमारा। माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ जलंधर में न कहाँ एक आदमी था, कि वकील था, क्या था हमको याद नहीं उतना, श्रीला तीर्थ गोस्वामी महाराज जी से सुना। पहले गुरु जी जितना समझा रहा है वो समझने की तैयार नहीं, समझने की तैयार है, बार बार बोल रहे हैं गुरु जी समझा रहे हैं माधव गोस्वामी महाराज जो भगवत वस्तु क्या है नहीं है। अरे महाराज दिखाई नहीं पड़ता तो क्या समझे, दो जो दिखाई पड़ेगा वही को उसी को मानेंगे, ये तो नाटकबाजी है। अच्छा ठीक है। तो एक दिन महाराज जी को, महाराज जी रहते समय प्रचार उस जमाने में, आज अभी का जमाना ऐसा आ गया कि आधा घंटा हरिकथा सुनने का किसी का वह पेशेंस नहीं। मैं तो पागल हूँ मेरा दो घंटा तो मिनिमम है, तो ये दो घंटा तो भी वो भी बड़ा बात है, कौन सुनेगा, वो भी हमारा मैं पागल का बात कौन सुनेगा उस समय में, उस जमाने पे, जमाने में हमने गुरुजी से सुना है, तित्त महाराज जी से सुना है, हमारा गुरुजी भी कहते थे, पांडे जी जो थे वो भी बोले महाराज उस जमाने में तीन चार बार हो रहे हरि, तीन चार बार कैसे कैसे, बोले माधव गोस्वामी महाराज तमाम अपना गुरु भाइयों को लेके आते और यहाँ पेंडल फेंडल लगते थे, पहले तो मंदिर नहीं था, राधा माधव मंदिर बाद में हुआ। तो इस समय में, उस समय अरे महाराज दूर दूर से आदमी, कहाँ कहाँ से, गांव गांव से संत महात्मा को देखने के लिए, उसका प्रवचन सुनने के लिए, छातू पर उठे सब लेके आए, रोटी हैं सब लेके आ जाते थे, और वहाँ ही खाना पीना करो, टट्टी पे सब जो मैदान में जाओ आप पानी वानी पियो, हरी कथा सुनो। अरे सुबह में होता था, सुबह में होने के बाद कीर्तन आरती सबको हो गया हरी कथा, उसके बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे उसके बाद विश्राम हुआ, तो खाना पीना फिर है ना हो गया 3-4 बजे से, फिर आपको 7 बजे, बाप रे बाप रे, बोले कैसा बात है, और हाँ हमारा झूठा नहीं सच्चा बात, हम सच्चा तो हो गया ही, आप जो कह रहे हो तो झूठा कैसे हो सकता। तो आजकल का जमाने का जो आदमी है उसका कोई कोई पेशेंस ही नहीं है, तो क्या मंगल होगा बोलो, यही बात है। तो ये जो गुणावली है, ये शरीर का विकार है, अच्छा नहीं लगता है, माधव गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, वो समझने के तहत। एक दिन वकील साहब बोल रहे हैं महाराज जी हमारा मन बहुत खराब है, महाराज जी बोले आप झूठा बोल रहे हैं। अरे नहीं महाराज जी सचमुच आज ऐसा कुछ हुआ है, मेरा माइंड एकदम बहुत खराब है मन, इसीलिए आपका पास आए। माधव गोस्वामी महाराज आप झूठा बोल रहे हैं। नहीं झूठा नहीं बोल रहा, बार बार ऐसा कहते कि माधव गोस्वामी महाराज बोले जे आपने मन को कभी देखा, नहीं तो देखा नहीं, तो कैसे हम भी नहीं मानेंगे आपका मन खराब, मन को आपने देखा है कभी, आपने भगवान को देखा नहीं मानते नहीं हो, है आप मन को देखा, महाराज मन को देखा नहीं अनुभव, आप भगवान को देखा नहीं, भगवान को अनुभव में आता है, सारे गुरु वैष्णव अनुभव में देखता भी है, दर्शन भी होता है, भगवान का झांकी दर्शन होता ही रहता है गुरु वैष्णव का अंदर में हर वक्त, है वो तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सुरयो दिव्यो चक्षु, वो तो ही है सदा पश्यन्ति मीन अनइंटरप्टेड दर्शन, कोई छेद नहीं है दर्शन में हर वक्त गुरु वैष्णव, इसलिए गुरु वैष्णव है, नहीं तो काहे का गुरु वैष्णव है जिसका भगवत दर्शन नहीं हो रहा वो क्या बोलेगा, उटपटांग बोलेगा ना, पागल का माफी कहते रहेगा, मैं लेक्चर देते रहेगा, अपना अनुभव के बातें नहीं कह पाएगा ना। तो जो भी है इस श्लोक का मैं फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता हूँ चैतन्य चरितमृत से, जो महाप्रभु का जो चर्च सनातन शिक्षा में थोड़ा पढ़ के जाऊँ आपको समझ में, आपका ज़्यादा बोलने का टाइम नहीं है। तो चैतन्य चरितमृत मध्य खंड जो है इसमें विंशो अध्याय 20th, इसमें महाप्रभु सनातन शिक्षा में जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्णेर ततस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश,
सूर्यांशु किरण जैनो अग्नि जलाचय स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। कृष्णेर स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति चित शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति। कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख अतए मायाथर देय संसार आदि दूर। आई बात समझ में? कृष्णेर स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति, तीन शक्ति परिणति। चित शक्ति का परिणति है क्या? चित जगत। जीव शक्ति का परिणति है ये जीव का शरीर, ये सब जीव शक्ति है। तत्स्था शक्ति में जीव आया वो जीव शक्ति, जीव शक्ति है। और माया शक्ति का अल्टीमेट रिजल्ट ही जड़ जगत जो दिखाई पड़ता है सारे तमाम है। देवी महेश तेसु है, देवी महेश है तेसु तेसु ते प्रभाव निचया विहितश्च जैन। ये देवी महेश धाम तेसु तेसु ते प्रभाव निचया विहितश्च जैन है ना है। ये देवी धाम है, उसके बाद महेश धाम है, आगे आगे चलो ये है। और इसमें और ब्रह्म संगीता का याद है ना, उस श्लोक ब्रह्म संगीता का है, ब्रह्म संगीता का श्लोक। और जो है देवी है ये जो पूरा तमाम दुनिया को एकदम नचा रही है, इसका बारे में है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति का छाएव जस भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमाम भाजा। ब्रह्म संगीता में भी तो ये जो है विष्णु पुराण में विष्णु शक्ति परापक्ता ये भी चैतन्य चौथा में दिया हुआ है, इसलिए हमको पाठ करना पड़ेगा। विष्णु शक्ति परापक्ता क्षेत्रज्ञा क्या था पर अविद्या कर्म संज्ञान तृतीय तिरिष्यते जो भी ये सब चल रहा है। अभी बात ये है कि कृष्ण विमुखोत्था के कारण एक जीवा ये जो जीवात्मा है तत्स्था जीव कृष्ण विमुख होने का कारण ये माया का आवरण कवरिंग है। ये जो माया का जो कवरिंग है, है ये जो कवरिंग है माया का, इसका कारण है कृष्ण विमुख। कृष्ण सेवा के लिए इस अंदर में कोई इच्छा नहीं पैदा हुई। कृष्ण विमुख होने के कारण जीव माया का माया वरण किया। अमाया से जीव के अंदर में जब भी सुख दुख मोह लाभ ये तो होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जीव चिन्मयात्मा फिर भी हो गया क्योंकि कवरिंग हुआ। इसका ऊपर में एक तो स्क्रीन पर्दा आ गया, इसके कारण माया का पर्दा और जीव का दुख सुख, दुख सुख और शोक महादि लाभ, किंतु जीव स्वरूप के विचार से अनुसार माया प्रकृति से भिन्न है। और भागवत का ये श्लोक भी मैंने चर्चा किया था, याद है भयम द्वितीय अभिनिवेश सात ईशात अपेत विपर्य अश्रुति इत्यादि श्लोक चर्चा किया। भय कहाँ से आ गया? जब आप दर्शन करोगे चारों ओर भगवान है और भगवान जो कि कुछ है ही नहीं, जब ही हमारा अटेंशन दूसरा वस्तु में आएगा, दूसरा वस्तु कहां से है? दूसरा वस्तु है ही नहीं, अध्याय ज्ञान तत्व। और दूसरा वस्तु मतलब माया, दूसरा वस्तु मतलब माया। भयम द्वितीय विनिवेश सत ईशात अपित विपर्य स्थिति, द्वितीय विनिवेश कारण श्रुति विपर्यय हो गया, अविश्रुति कृष्ण पदारविंद हो गया और इसके कारण वो भयभीत हो गया और उसका सुख दुख ये सब जो है अगले हफ्ता में चर्चा हो सके। बड़ा सुंदर है ये सब विचार। तावद भयम दविण देह सहित निमित्तम अगले हफ्ता में इस श्लोक का चर्चा करेंगे। याद आता है कभी कभी। और ये
ईश्वरस्य विमुखस्य कार्पण्यम उतो बंधनम, ईश्वर से विमुख होने का कारण ही है ये बंधन और कुछ कारण नहीं। शुद्ध जीव का, शुद्ध जीवों का अंदर में सुख दुख का जो फीलिंग्स आ रही है ये चेतन वस्तु का काम है। चेतन वस्तु छोड़कर सुख दुख ये सब जो ये कहां से आए, जड़ वस्तु का तो हो नहीं सकता। मुक्त शुद्ध जीव शोक और त्रिगुण का है, मुक्त शुद्ध जो मुक्त शुद्ध जीव का अभी जो हालत हो गया है, शोक और त्रिगुण के द्वारा जो बंधन, ये अचिंत भगवान का अचिंत अचिंत शक्ति भगवान का प्रसिद्धि माया शक्ति का ही कार्य है। ये तर्क के द्वारा लॉजिक के द्वारा इसका समाधान कभी नहीं होने हो, कभी नहीं हो पाएगा। अब आगे चलकर 20 नंबर श्लोक में विचार आ रहा है, देखो जो बोला था वही आ रहा है विचार। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, कार्य और कारण का परे वस्तु है ना, याद है ना, काल या परशु बता रहा था, परशु तो नहीं काल ये, हाँ, उसका पहले भी अगले पिछले सप्ताह में, कार्य कारण का अतीत वस्तु है। फिर भी हमने बताया जे ये जो शक्ति शक्ति मतलब अभेद शक्ति का क्रिया हुआ जो कर्म है ये प्रभाव कहां से आया, इसी से आया, इसलिए ये कार्य कारण से परे है। इसे सदसत का, सदसत का परे वस्तु है। इस सदसत का माने हमने व्याख्या किया था ये कार्यकरण का उचित, इसलिए आप बाद में ये विचार भी दिखाया था ये कार्यकरण यद्यपि चिन्मय आत्मा का कोई विषय नहीं है, फिर भी शक्ति शक्तिमत और अभेद शक्तिमान और शक्ति अभेद, इसीलिए हिसाब से देखा जाए तो शक्ति का जो किया में इसका ही है, इसीलिए तो कार्य कारण में इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई पड़ता है। शुद्ध विचार के अनुसार ऐसा आता है। और ये श्लोक में भी ये बताया कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचत, ये भी बताता है ये श्लोक में जे कार्य और कारण का कर्तृत्व जो करा रहा है सो कुछ ही हेतु हूं, इसका कारण क्या है, प्रकृति, प्रकृति प्रकृति उसका तीन गुण का जो प्रभाव है ये सारे प्रकृति है, इस प्रकृति करा रहा है। कार्य कारण कर्तृत्व, कार्य और कारण का जो डुअरशिप कौन करा रहा है, जब भी प्रकृति जड़ा है फिर भी देखो कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, इसका समाधान निकालेंगे। और पुरुष सुख दुखानम भक्तित्व हेतु रुच्यते, सुख दुख जो विषय है कौन भोगेगा, कार्य कारण कर्तृत्व तो ठीक है, इट्स वन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रकृति करण है, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, लेकिन सुख दुख कौन भोगेगा, क्या एक पत्थर ये एक कोई जड़ वस्तु क्या सुख दुख का फीलिंग सुख उसके बारे महाराज, इसमें पुरुष पुरुष सुख दुखानम भक्तित्व हेतु रुचत, सुख दुख का सुख दुख भोग का जो मसला आता है इसका लिए तो रिस्पॉन्सिबल है वो चिन्मय आत्मा, जब भी वो कवर कवर अप है इसी के कारण सुख दुख, ऐसा तो सुख दुख का विषय आ ही गए नहीं, चिन्मय आत्मा को सुख दुख जड़ जगत का कोई स्पर्श नहीं कर सकता, फिर भी चिन्मय आत्मा होते हुए, चिन्मय आत्मा होने का कारण ये जो सुख दुख का जो फीलिंग आ रहा है वो चिन्मय जब भी कवर्ड है, मैं मानता हूं ये माया का कवरिंग में है, फिर भी चिन्मय आत्मा होने का कारण ये चिन्मय आत्मा का विषय है सुख दुख को भोगना। पुरुष का तत्स्थ स्वभाव जड़ो अभिमान से सुख दुख जो सुख दुख का जो ये जो ये जो सुख दुख का भक्तित्व उदय है, मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मेरा मन खराब है, ये जो बताया था वो जड़ भक्त अवस्था का,
लेकिन चिन्मय है तभी संभव है, चिन्मय जीवात्मा है तभी ये बात जो ये जो मसला आ रहा है ये चिन्मय आत्मा है तभी आ रहा है, नहीं तो आई नहीं इसका। और शुद्ध जीव का, शुद्ध जीव जब प्रकृति का परे बन गया एकदम विशुद्ध अवस्था में, ये जीव का अंदर में कभी भक्तित्व अभिमान एंजॉयरशिप डुअरशिप कुछ नहीं है। शुद्ध जीवात्मा का अंदर में भक्तित्व एंजॉयरशिप एंजॉइंग मूड कुछ नहीं रह सकते, विशुद्ध जीवात्मा का भक्तित्व बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। किंतु बद्ध जीव जड़ प्रकृति का अंदर में आकर जड़ो शरीर प्राप्त कर जड़ो मन जड़ो बुद्धि सारे कवरिंग हो गया चिन्मय आत्मा का, ऊपर पहले सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये एक इट इज वन काइंड ऑफ प्राइमरी कवरिंग, उसका ऊपर मोटा शरीर पांच भौतिक उसका अंदर में आत्मा है छुपा हुआ है। जीव तत्स्व स्वभाव के कारण ये भक्तित्व भी आ सकता है भगवान का, एक ऐसे तो डुअरशिप एकमात्र तो भगवान का ही होनी चाहिए एंजॉयरशिप, जितना सारा एंजॉयमेंट सब कृष्ण का है। लेकिन ये जो क्षुद्र जीवात्मा है ये एक तो मॉडल बन गया कृष्णों का, मॉडल बन के बैठा हुआ है और बोले हम भी भोगेंगे, आई बात समझ में। जीवात्मा का कोई भोगने का कोई विषय है ही नहीं, जितना सारे तमाम एंजॉयमेंट है अनंत ब्रह्मांड में सब कृष्ण का ही समान है, कृष्ण एंजॉय करे। लेकिन जीवात्मा का, जीवात्मा जो है एक कृष्णों का एक मॉडल बन के बैठा हुआ, बोले हम भी भोगेंगे हम भी एंजॉय करेंगे, अच्छा करो ठीक है। तो ये तत्स्था स्वभाव के कारण इसका अंदर में भक्तित्व तो स्वीकार किया है, नहीं तो हो नहीं सकता। भागवत में आगे चलकर बहुत सारे ये कपिल जी महाराज अपना देवावती मैया को इस विषय में बोला, तीसरा स्कंद में आता है 26 अध्याय में, कार्यो कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृति विदुहु भक्तित्व सुख दुखानम पुरुषम प्रकृति हे परम। एक ही बात हुआ ना जो ये जो 20 नंबर श्लोक में कृष्ण बताए, अभी बताए ना कृष्ण जो बताया अभी, ये जो कार्यो कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यत और पुरुष सुख दुखानम भक्तित्व हेतु रुच्यते, यही बात तो कह चुका ना, यही बात तो कहा ना कपिल जी भी यही बात कह रहे हैं, कार्यो कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृति विदुहु एकत्रित्व सुख दुखानम पुरुषम प्रकृति हे परम। ये बताए हे मातो, ये जो शरीर है इंद्रियां हैं तद अधिष्ठात्री देवता वर्गों का जो कार्य कारण, हमारा शरीर में तमाम जो एक एक इंद्रियों का कर्म होता है इसका अधिष्ठात्री देवता होता है, भागवत में है दूसरा स्कंद में तीसरा स्कंद है सब फॉलो। तो ये जो कर्तृत्वादि प्राप्ति विषय आप जो पंडित सब ये प्रकृति को ही कारण मानता है, जब भी प्रकृति जड़ा है लेकिन इसका भी प्रभाव हम दिखा रहे हैं अभी त्रिगुण का द्वारा प्रभावशालिनी हैं, और प्रकृति का परिणाम भूत हो जो शरीर है इसमें अभिमान आ गया, इसमें अभिमान है मेरा शरीर है, देहादि तो अभिमान होने के कारण देहा हमारा शरीर है, ये शरीर में अभिमान के कारण प्रकृति ने उसको कब्जा में आल ले ली, प्रकृति का प्राधान्य हो जाता। इसीलिए जैसे छुरी से काटा, कौन काटा, अरे छुरी ने काटा, ऐसे जीवात्मा अंतर में है शरीर क्रियाकर्म कर रहा है, शरीर है चिन्मय आत्मा इसीलिए, लेकिन कर्तृत्व के बारे में प्रकृति को निर्देश किया, क्योंकि जैसे हम छुरी का उदाहरण दिया बहुत सारे उदाहरण ये सब दिया, इसलिए प्रकृति क्रिया माने और भी हम खुलासा करेंगे चर्चा करके।
और सुख दुखों का जो ये तो जड़ा प्रकृति एंजॉय कैसे करे, उसका तो विषय नहीं नहीं। इसका अंदर में जो चिन्मय आत्मा पुरुष, चिन्मय जीवात्मा जो है जिसको पुरुष बताया, क्योंकि एंजॉयर एंजॉयिंग मूड है, इसलिए पुरुष पूरे 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 शरीरे देहे बसती थी पुरुषा। ये अहंकार के कारण ये जड़ बंधन आ गया। जो भी सुख दुख आदि ये जो सुख दुख के जो ये जो फीलिंग्स है, ये चेतन के अलावा ये संभव नहीं। सुख दुख आदि जो कुछ भी है, इसका जो फीलिंग्स आ रही है, हो सके तो प्रकृति का कारण ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन चिन्मय चिन्मय आत्मा होने का कारण ये आ रहा है। चेतन चिन्मय चैतन्य बिना, चैतन्य के बिना, चेतन के बिना ये फीलिंग्स कैसे आए, हो नहीं सकता। माया और जीव अल्टीमेटली ईश्वर का परतंत्र है, ये सब बात भी चर्चा किया था। और आगे चलकर 21 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो पुरुष प्रकृतिस्तो ही भुंगते, और भी एकदम क्लियर कर दिए भगवान। पहले वाला श्लोक में भी क्लियर है, कार्यो कारणों का चित्ते हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानम भक्तित्ते हेतु रुच्यते, किंबा भागवत का जो श्लोक कार्यो कारण का चित्ते कारणम प्रकृतिम विदुहु भक्तित्वे सुख दुखानम पुरुषम प्रकृति हे परम, ठीक है। चलो अब 21 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये पुरुष प्रकृतिस्तो ही, ये जो पुरुष है ये प्रकृति का कब्जा में आकर, पुरुष प्रकृतिस्तो ही भुंगते प्रकृति जानगुना ही मतलब कन्फर्मेशन फॉलो ही कन्फर्मेशन। तो पुरुष प्रकृतिस्तो ही भुंगते प्रकृति जानो गुणान, प्रकृति का जितना सारे गुणावली है उसका जो प्रभाव है सतरजतम के, इसका जो दारा जो सो सुख दुख आदि भोग भोगने का जो विषय है, ये जीव चिन्मय जीवात्मा ये जो पुरुष है प्रकृतिस्थो होने का कारण ये भुंगते प्रकृति जानो गुण, जितना सारे गुणावली भोग रहे ये अपना कुछ नहीं है, प्रकृति से आया है, प्रकृति से प्रकृति से आई हुई है। और पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जानो गुणानो आ कारणम गुण संग अशो सदसद जोनी जन्मसु, पुरुष प्रकृति में अवस्थित होकर प्रकृति का कब्जा में आकर प्रकृति का गुणावली प्रकृति या तो सुख दुखादि विषय को परो ओपी मनोत मनोथे अनर्थम, ये बताया था ना आगे याद है ना आगे, जयासन महित जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम परो ओपी मनोथे अनर्थम तत्कितन चाभि पद्धते, ये सब बताया। शिष्य सिद्धि प्रलय का अंतर्गत प्राकृति बोल प्रकृत शरीर बोल के प्राकृत अभिमान पैदा हुआ, जब भी ये गुणातीत वस्तु है प्रकृति का गुणात। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति अनुगुणन अकारणम गुण संग अश्यो सदसद योनि जन्मसु, इसका जो सद असत मतलब नीचू एनो अवस्था में जन्म लेना, को पशु पक्षी हो के या तो आदमी बन के देवता बन के जन्मे, कुछ भी जन्म हो कैसे होता है, ये एक प्रभाव के कारण प्रकृति। पुरुष प्रकृति में अवस्थित होकर प्रकृति जातो सुख दुखादि विषय को भोगने के लिए तैयार बैठा है, जब भी उसका कोई कारण नहीं खमाखा। प्रकृति गुण में आसक्ति के कारण कभी ऊंचा जोनी में, जब कबीर कबू राजा कबू प्रजा है ना चैतन्य चरितमृत में, कबू राजा कबू प्रजा
कबू सुखी दुखी, कभी राजा बनता है, कभी प्रजा बनता है, कोई पशु बनता है, पक्षी पंछी बन जाता है, ऐसा चलता है। उच्चा बचीशु उच्चा उच्चा बच जोनी में जन्म लेते। सो पुरुष पुरुष प्रकृतिस्तो ही भुंगते प्रकृति जानो गुणान और कारणम गुण संघ। कारण क्या है? बोले गुण संघ सद सद ज्योनि जन्मसु। इसका जो जन्म हो रहा है इधर उधर भटक रहा है, हैं ये जो भटक रहा है ये ज्योनि, इसका कारण कुछ नहीं है, ये अपना कर्म किए हुए कर्म का जो प्रभाव है। अवश्यमेव भक्तव्य कृतकर्मम शुभाशुभम। हर कोई का अपना अपना कर्म फल को खुद ही भुगतना पड़ेगा, कोई किसी का लिए नहीं है। एक गुरु वैष्णव है जिसका अंदर में पावर है, आपका या तो मेरा किसी का अनंत जन्म का जो कर्म फल है गुरु चरण में आत्मनिवेदन तुआ पदे कोरी होई न परम सुखी दुखो दूरे गेलो चिंता ना रोहिलो चौधी का आनंद है। याद है ना कीर्तन है? आत्मनिवेदन तुआ पदे कोरी होइनु परम सुखी दुख दूरे गेलो चिंता ना रोहिलो चौधी के आनंद हेरी। है ना, याद है ना कीर्तन? हाँ, ये भक्त मुद्रा कह रहे हैं कि ततस्व स्वभाव से ही शुद्ध जीव वैकुंठ शुद्धता, ये वैकुंठ जगत में जाने का लायक है फिर भी खो बैठा है फॉर द टाइम बीइंग। वैकुंठ शुद्धता छोड़कर प्रकृति का गुण के द्वारा संचालित होके अभी उटक पटक चल रहा है। अशक्ति प्रकृति गुण में अशक्ति वसतो ये कभी उचक है न कभी है सद असत जनी, मतलब कभी पशु पक्षी कभी आदमी ब्राह्मण हुआ जन्म हुआ, ऐसा सद असत का ये माने हैं। सद असत का माने ये सद असत जनी ये कारण है सद असत जन्म सु नीचू ऊंचो ऐसा चलो कोई बात नहीं। अभी ये समस्या का जो समाधान करके आज को विश्राम देना पड़ेगा कथा का। तो कहने का मतलब है प्रकृति क्रियामानन जो है प्रकृति में अधिष्ठान, अधिष्ठान के कारण प्रकृति में अवस्थित होने का कारण प्रकृति का कब्जा में आने का कारण सुख दुखादि सुख दुखादि पुरुष का ही कर्तृत्व, माना सुख दुख जो है हो सके जो प्रकृति का कब्जे में आ गया, लेकिन सुख दुख जो भोगने का जो मसला है ये चेतन का ही एकमात्र विषय है, ये प्रकृति का विषय हो नहीं सकता। यही इसको खुलासा किया। प्रकृति का संसर्ग का कारण दिखा रहा है चिन्मय आत्मा चित सुख स्वरूप आनंदमय चिन्मय ज्ञानमय, ये सब बताए चित आत्मा का बारे में। तो ये भी एक प्रकृति में अनादि वासना, अब ये क्वेश्चन आ सकता है वासना कब पैदा हुई, अभी इसका कोई जवाब नहीं है। अनादि कर्म फले परिभावार नवजले त्वरी बारे ना देखी उपाय, याद है ना ये कीर्तन? अनादि कर्म फले परिभावार नवजले त्वरी बारे ना देखी उपाय। अनादि कर्म फले, ये अनादि कब हुआ है ये कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है इसका कब हुआ। अनादि कर्म वासना के द्वारा ये प्रकृति का कब्जे में आए और प्रकृति कृतो ये जो शरीर प्राप्त हुआ प्रकृति से लिया हुआ है और प्राण तो यही है आत्मा संयुक्त होकर प्रकृति का दिया हुआ शरीर और मन सब प्रकृति का है, लेकिन प्राण जो है ये तो चिन्मय है आत्मा, ये संयुक्त दोनों का संयुक्त होने का कारण ये सुख दुखादि गुणावली ये भोग करता है जीवात्मा ये शरीर के द्वारा।
अनुभव करता है। अब ये बहुत सारी ये चर्चा है इस विषय में। सद मतलब कभी देव जनि प्राप्त हुआ, कभी मनुष्य जनि, मनुष्य जनि में ब्राह्मण हुआ, अच्छा हुआ चलो कोई। अब असद मतलब कोई पशु पक्षी हो गया है, ये सब नीचा जनि में जन्म हुआ वो तो हो गया, बहुत मुश्किल। ये सब जो होते रहा, ये सब जो हो रहा है इसका लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसका लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? भले ये तटस्थ जीव जो है वो अपना जो पुरुषाकार है, कर्तृत्व है, मैं करता हूं भोगता हूं, यही कारण है और कोई नहीं। प्रकृति पुरुष का, अब ये विचार बताया जाए, प्रकृति और पुरुष जो बात शंखो योग का मैं इतना दिन से बोलते आया हूं, क्योंकि इसका अलावा व्याख्या करे कुछ समझने का कोई उपाय नहीं था आपको, अभी इस बात का खुलासा होगा। ऐसा तो शंख युग में बोलता है प्रकृति पुरुष संयोग के कारण है, प्रकृति पुरुष के संसर्ग के कारण, कारणम इति जो अगले बताया था ना, ये श्लोक कपिल जी ने बताए हैं, कपिल जी ने बताया ना, कार्यो कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृति विदु, ये जो बताया ये इस बात का खुलासा हो रहा है। प्रकृति पुरुष का संसर्ग में आ गया ये कारण है, प्रकृति पुरुष का संसर्ग में है, संसर्ग के कारण ये विषय बोला हुआ है, कारणम इति उच्चते, प्रकृति कारणम इति उच्चते, गुण संगो अर्थात अनादि गुणमय विषय स्प्रिया आ गया। तात्पर्य यह है अनादि जीव कर्म रूप अनादि वासना के द्वारा लिप्त हो गया, अनादि जीव कर्म रूप अनादि वासना के द्वारा जुड़ गए, जुड़ा हुआ है, जब भी जुड़ने का कोई बात ही नहीं फिर भी जुड़ गया। अनादि जीव कर्म रूप अनादि वासना के द्वारा लिंक हो गया, जुड़ गया, उसी जीव भक्तित्व हेतु भोग्य विषय गुल स्प्रिया करते करते, जब भी स्प्रिया करते हम एंजॉय करेंगे, और इसका जो मसला है एंजॉयमेंट का जो विषय है प्रकृति सप्लाई देता है, अनादि प्रकृति आश्रय प्रकृति देते रहे, ठीक है लो। जब तक सत्संग के द्वारा वासना का क्षय प्राप्त तो नहीं हो जाता तब तक इससे कोई रिहा नहीं है। जब तक सत्संग के द्वारा ये सब जो वासना का क्षय नहीं हो जाता तब तक इसका कोई रास्ता सल्यूशन नहीं है। साधु संगो सर्वसत्य कह लवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। सांखो योग के जो विचार है इसमें प्रकृति क्रियामानानि गुणी कर्माणि इत्यादि कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, कार्य कारणों और कर्तृत्व विषय प्रकृति को कारण माना गया। और इसका दो चार उदाहरण भी हमने दिया किस लिए बोल रहा है, जैसे छुरी का उदाहरण दिया, और काल बोला था मुर्दा परा और शंकराचार्य जो अपना शरीर को छोड़ के चलेंगे, अब शरीर को कुत्ता बिल्ली को भी खा सकता है, हैं? और ये जो विश्वनाथ चकुआ बलदेव विद्यावसन जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा माना जाए इट इज वन काइंड ऑफ फोर्सफुल सिद्धांत, जोर जबरदस्ती सिद्धांत, हटकारिक तो प्रमादिक। बलदेव विद्यावसन कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, विश्वनाथ चकुआ जी बताए हैं, मैं बलदेव जी का कुछ विशेष विषय है, इस विषय पर मैं इस बात को उठाए तो अच्छा है। बलदेव विद्यावसन कहे जो ठीक है, जो गीता में कई जगह ऐसा है प्रकृति क्रियामाना ने गुण कर्म इत्यादि कई जगह ऐसा है, लेकिन इसमें अगर ऐसा ही माना जाए प्रकृति जड़ा है वो कर रहा है, बलदेव विद्यावसन कह रहे हैं इट इज वन काइंड ऑफ दादा इसका जोर जबरदस्ती कह रहे हैं, कैसे ऐसे कह दिया आप, जैसे हम बोले एक पत्थर पड़ा हुआ है, ए पत्थर ने ये काम किया, अरे पत्थर कैसे काम करे, एक लकड़ी पड़ा हुआ है, लकड़ी का डंडा पड़ा हुआ है या तो एक लॉक पड़ा हुआ है ये काम किया,
ऐसा बोलने का बराबर हो गया ना। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने वही कृष्ण एक ही भगवान श्री कृष्ण रूप से बोला, प्रकृति क्रिया माने गुरु, प्रकृति क्रिया माने गुरु कर्म ही अवसर, और एक ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक ही कृष्ण है वो बताया। प्रकृति जड़ वस्तु, अब किसको माने? महाप्रभु जी ने चैतन्य चतुर्थ में बताया, यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण, महाप्रभु कह रहे हैं हम नहीं कह रहे हैं, यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण, प्रधान जो है जो है ये कारण है, प्रधान से विकार प्राप्त तो होकर कैसे कैसे सृष्टि होता है ये तो दूर की बात है। अभी सांख्य योग का कहना है कि है ना प्रधान कारण है, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं कि यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण, यद्यपि सांख्य योगी सब मानता है प्रधान को कारण मानता है, लेकिन महाप्रभु जड़ो होते कहू नहीं जगत सृजन, एक जड़ों से कैसे जड़ो वस्तु पैदा होगा, जड़ों से जड़ो वस्तु से कबू ये जगत सृष्टि नहीं हो सकते, तो जड़ा है। निजो सृष्टि शक्ति प्रभु संचारी प्रधाने, महाप्रभु कह रहे हैं भगवान अपना क्रिएटिव एनर्जी, भगवान अपना क्रिएटिव एनर्जी सृजन शक्ति को प्रधान में संचारित करके उसके बाद ईश्वर का शक्ति के द्वारा, महाप्रभु कह रहे हैं ईश्वरेर शक्ति तबे होय तो निर्माण। जैसे इतना दिनों में नासा हो या तो बड़ा बड़ा साइंटिफिक संस्था है, ये लोग का आज से आज नहीं 40-50 साल पहले का, जब हम एकदम बच्चा हैं स्कूल में हैं ये में जो सब सुना, जे ये जो साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है एक गैलेक्सी वे में कुछ मैटर है, गैलेक्सी वे में वो मैटर एजिटेटेड होके एक क्रिएशन हुआ है, इतना दिन से ये सुनते आ रहे हैं बचपन से, साइंटिस्ट का ये कहना है जे गैलेक्सी वे में कुछ मैस है वो एजिटेटेड होके ये सृष्टि हो रहा है। अब एजिटेटेड होके बोलने से तो खूब अच्छा आसान है, लेकिन एजिटेटेड होने से जो एनर्जी है, हु इज द सप्लायर ऑफ द एनर्जी, साइंस को पूछा जाए, साइंस को अगर पूछा जाए आपने बोला ठीक है ये इसको एजिटेट उत्तेजित हो गया ओके क्रिएशन हुआ, लेकिन उत्तेजित होने के लिए वी नीड सम एनर्जी टू बी सप्लाइड, ये एनर्जी कहाँ से है, हु इज द सप्लायर, इसका कारण आता है। अब आगे चलकर गोमाता बुक में लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च का बारे में बताया गया, चेतना का जागरण में नासा का ये फाइनल, ये एक लो माउंट ऑफ साउंड, एक स्वीट ध्वनि, ये ध्वनि से इस क्रिएशन हुआ है। अब वेदांत सूत्र भी ये मानता है, काल भी ये बता तो था, इसका चर्चा बहुत लंबा चर्चा होनी चाहिए, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम जदक्षरम है, शब्द तत्वम जदक्षरम है, ये सब बताया था ना, अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब अथो तो शब्द जिज्ञासा, कभी चर्चा होगा इस विषय में जो भी है। तो बलदेव विद्यावसन कह रहे हैं कि ये तो अजीब सा क्वेश्चन है, अगर हम बोले एक लोहे का टुकड़ा काम कर रहा है एक पत्थर काम कर रहा है तो अजीब सा बात है, ये कैसे हो सकता है। महाप्रभु ने उदाहरण दिया, ये अग्नि का अंदर में लोहे का टुकड़ा अगर डाला जाए तो कालापन जो है उसका हट जाता है, और लोहे का अंदर में आंख का जितना सारे पावर उसमें संचारित हो जाए, अग्निशक्ति लोह हो जैसे कौरे ही जारण, महापू बताए अग्निशक्ति लोहा ने जलाया नहीं, लोहा का बाप का क्षमता नहीं जलाना, लेकिन लोहे का अंदर में अग्नि का पावर आके कर रहा है, यही तो बात है ना, क्या लोहा किसी को जला सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। महाप्रभु जी ने बताया जो अग्नि शक्ति लौ हो जैसे करे जारण, अग्नि का शक्ति से
लोहो खंडो, लोहे का डंडा जैसे काम करते जारन, किसी को गर्म करो, पानी गर्म करो, ये औषधि में आयुर्वेदिक औषधि में ऐसा होता है, जिसको हम फिजिकल साइंस में क्वेंचिंग बोलता है ना, लोहे का गर्म किया, कभी कभी आयुर्वेदिक औषधि में ऐसा है, हैं उसका कोई दवा मिला के उसका सोल्यूशन बनाओ, एक शीशे का पात्र में रखो, उसके बाद लोहे का डंडे को डंडा को गर्म करो, गर्म करने में उसका अंदर में डालो छा, वो पूरा उसका जो गर्म उसका अंदर में हमारा वो हम आग में आग में बैठा के जला होगा नहीं, इसका कुछ विशेष रिएक्शन है आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग बोलता है, नहीं तो वो बोलता आप सोल्यूशन बनाओ आग में जला लो, आग में गर्म कर लो, वो भी बोला नहीं, बोले ये करके सोल्यूशन बना के रख दो, उसके बाद लोहे का डंडा गर्म करो, उसका अंदर में दे दो छाक, बस उस दवा को पी लो। ये कारण है, हम लोग जानते नहीं, और ना जानने के कारण हंसी उड़ाता है कोई आदमी, हंसी उड़ाना बोका का काम है, कोई कारण तो जरूर होगा, निराधार तो नहीं है ये कंसेप्शन, निराधार नहीं है, आधार है कि कारण है, हम जानते नहीं। सो ऐसा करके बलदेव विद्याभूषण जी ये यही उदाहरण महाप्रभु का, जो अग्नि का सान्निध्य में लोह खंड उत्तप्त हो जाते और लोहा का अपना जलाने का कोई क्षमता नहीं, इसका अंदर में दहन का जो क्षमता है ये आया है अग्नि से। लोह खंडो बाहरी दृष्टि में लोह खंड जलाया लगता है, लेकिन जलाया तो अग्नि, लोह जलाया नहीं। बलदेव विद्याव सिंह जी ने बताया, अच्छा चलो कोई बोले महाराज जल पानी चलता है, पानी चलने देखा, नदी में पानी चलता है, झरना में पानी चलता है, और वृक्ष में फल लगता है, ये तो जड़ का कर्तृत्व जो है, जड़ का जो जड़ जड़ वस्तु का जो डुअर से भी तो इसमें साबित हो गया, कोई अगर ऐसा कहे पानी चल रहा है महाराज और वृक्ष में फल होता है, ये तो जड़ का ही कर्तृत्व है ना, डुअर से ये तो जड़ा प्रकृति तो ठीक ही है, ठीक ही बताए प्रकृति। बलदेव विद्यावान जी ये बोका का क्वेश्चन है, दो जो फूलिश मूर्ख है ऐसा बोलता है, अरे महाराज प्रकृति जड़ा है, इसका कोई एक्टिविटी कर्तृत्व असंभव है, क्यों, क्योंकि पानी चल रहा है ये नहीं बोल सकते हो, पानी के अंदर में अधिष्ठान है, वृक्ष के अंदर में अंतर्जामी रूप में चेतन वस्तु का अधिष्ठान है, जब ही हम पानी को गंगा मानते, गंगा मैया जमुना जी, ये सब तो छुपा हुआ रहस्य है, हैं बाहरी जगत में तो इसका कोई कंसेप्शन ही नहीं है, प्राण का अधिष्ठान अग्नि का अंदर में अधिष्ठान मानता प्राण है, जलाने का शक्ति सब है, जल चल रही है, चल रहा है, वृक्ष फल दर अंतर्जामी रूप में चेतन का अधिष्ठान है, इसीलिए कर रहे हैं इसका कर्तृत्व, ये सूखा लकड़ी ये पेड़ है इसका नहीं, इसके अंदर में चेतन का अधिष्ठान है, सर्व वस्तु में है ब्रह्म वस्तु जो है ना। तो ये जो स्मृति शास्त्र में स्मृति शास्त्र में ज्योतिषम आदि जो कर्मों का विधान किया, क्या ये जड़ शरीर के लिए भी है? ये जो ध्यान बताया, ये जो ये करो वो करो, ये किसके लिए? ये जड़ शरीर के लिए बताया ना, आत्मा का लिए है? किसका लिए बताया? ये जो स्मृति शास्त्र में ज्योतिषम आदि कर्मों का विधान, ये मोक्ष है ना, मुख्य विधायक ध्यान का व्यवस्था, ये जड़ो प्रकृति के लिए बोला गया, ये जड़ो शरीर के जड़ो प्रकृति के लिए बोला नहीं, ये चेतन भोक्ता पुरुष को इंडिकेट करके बोला गया, जितना सारे वेद काम ऋचा है मंत्र है सब क्यों जो है, वो सब अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, जो आत्मा को उठाओ, उद्धरेत आत्मनात्मनम है, आत्मा को उठाओ, आत्मा को गिरने मत दो, आत्मा को गिरने मतलब प्रकृति के अंदर में भोग करो और चलो नीचे चलो, आज ये भोगने का तो कोई समाधान है नहीं, कभी कभी इसका कोई समाधान तो है नहीं,
कभी इसका जड़ कामना भव कामना वासना का इसका तो कोई सल्यूशन नहीं, इसका कोई एंड नहीं है। जितना भी करते चलो उतना ही बढ़ते चलो, जितना आप करोगे उतना ही बढ़ोगे। एका इसका कोई समाधान न, या तू काम कमानम उपभोगे न सम्मति, याद है ना, है याद है ना, किसका कहना है भूल गया, पुरुरवा न या तो काम कमानम उपभोगे न सम्मति है ना, तो इसका कोई समाधान है नहीं, सोल्यूशन नहीं है, एंजॉय में चल। तो जो भी है ये सब जो है भजन का क्रियाक्रम नॉट फॉर दिस मेटेरियल बॉडी बट फॉर योर आत्मा, इसको ही टारगेट बना के चल रहा है सारे, ये सब सारी चर्चा चल रहा है, तो ये सब चल रहा है। तो बलदेव विद्याभूषण का कहना है जे प्रकृति में जो कार्य कारण रूप कर्तृत्व का आरोप हुआ है, इसका कारण क्या है, इसका कारण इसका प्रवृत्ति का प्राचुर्य वशतो टेंडेंसी, और टेंडेंसी कहां से है, टेंडेंसी जो क्रिया कर्म की टेंडेंसी है वो तो चेतन का अधिष्ठान के कारण। प्रकृति में जो कार्य कारण जो कर्तृत्व का आरोप लगाया जाता है, सारा आदमी बोलता है प्रकृति, भगवान भी कह रहे, अब इसका खुलासा महाप्रभु ने किया, इसका कारण है ये प्रकृति का अंदर में जो जो प्रवृत्ति पाचुर जो वस्तु थे निर्दिष्ट अर्थात से एक कर्तृत्व प्रकृति का वृत्ति ए टेंडेंसी मात्र और कुछ प्रकृति नहीं कर रहा है। जैसे गाड़ी के अंदर में बैठो, स्टार्ट किया तो गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है ना, देखिए चलाने वाला अंदर में है, गाड़ी का चलने का प्रवृत्ति जो है दिखाई पड़ रहा है, लेकिन असली बात तो ये है गाड़ी के अंदर में बैठा हुआ ड्राइवर है, और शायद कई सारे कारण है। बलदेव विद्या उसमें कह रहे हैं कि इसका अंदर टेंडेंसी दिखाई पड़ता है, दैट टेंडेंसी इज ड्यू टू दैट पुरुष विच इज ऑलरेडी देयर, पुरुष कर्तृत्व किंतु पुरुष का ही है। छुरी का उदाहरण दिया हमने बहुत सारे, जो भी है चलो, और कोई कोई पंडित व्यक्ति ये भी शास्त्रकार ये भी बताता है ये प्रकृति जड़ा है ठीक है, ये शरीर को प्राप्त किया है पुरुष, शरीर का संयोग हुआ है ये पुरुष का साथ, जबी यज्ञादि युद्धादि यज्ञ कर रहा है युद्ध कर रहा है तो दिखाई पड़ता शरीर ही कर रहा है, लेकिन कर रहा है कि इसका अंदर में टेंडेंसी मतलब छुरी कभी सब्जी कट सकता है हाथ नहीं कट सकता है, जब भी चिन्मय शुद्ध आत्मा उसका अंदर में कोई डुअरशिप नहीं है, फिर भी ये चिन्मय आत्मा होने का कारण जैसे छुरी हाथ में होने का कारण सब्जी काटा जाए हाथ के द्वारा काटना संभव नहीं है, ऐसे ही उदाहरण है ये जो शरीर का अंदर में चिन्मय आत्मा पहुंचा है और संयोग के कारण ये युद्ध कर रहा है जगादि कर रहा है सब ये शरीर को इंस्ट्रूमेंट बना के, लेकिन ये प्रकृति से वियुक्त तो डिटैच कर दो, कहने का मतलब है ये शरीर से जुदा कर दो, जुदा डिटैच कर दो विशुद्ध तो कर्तृत्व तो नहीं दिखाई पड़ेगा। फॉलो तो कर्तृत्व तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे वेदांतों का भी सूत्र है, बहुत सारे सूत्र है रचनानु रचनानुपोपत्तेश्च हैं नानुमानम प्रवृत्तेश्च इत्यादि वेदांतों का सूत्र है। अब ये सब चर्चा करने का दरकार नहीं, महाप्रभु का बात फाइनल है, हमने बता दिया चैतन्य चरितामृत से क्या बात बताया महाप्रभु जी ने बताया, यद्यपि यद्यपि शांखो
যদ্যপি সাংখ্য মানে প্রধান কারণ জড় হইতে কভু নহে জগৎ সৃজন নিজ সৃষ্টি শক্তি প্রভু সঞ্চারী প্রধানে নিজ সৃষ্টি শক্তি প্রভু সঞ্চারী প্রধানে ঈশ্বরের শক্তি তবে হয়তো নির্মাণ এ মহাপ্রভু জি নে কথা অনে কে কাজ কুচ নেই তো যো ভি হ্যাঁ সব চর্চা হুয়া আপ এ বিচার করকে দেখনা বহুত লম্বা চৌড়া চর্চা হ্যাঁ বহুত লম্বা চৌড়া অভি সময় ভি কম হ্যাঁ আগলে হপ্তা চর্চা শুরু হোগা সব প্রকৃতি ক্রিয়া মানানি ইসকা যো ব্যাখ্যা হ্যাঁ থোড়া সমঝ মে আই আই বাত সমঝ মে চলো ঠিক হ্যাঁ ইয়ে বাত আর আগলে হপ্তা ও শুরু হোগা 22 নম্বর শ্লোক তে ইসকা উচ্চারণ করকে বিরাম দে উপদ্রষ্ট অনুমাত্বা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ পরমাত্মেতি চাপি উক্ত দেহে অস্মিন পুরুষঃ পরঃ ইসকা বারে মে চর্চা হো পায়েগা আগলে সপ্ত বহুত সারে এসব শ্লোক হ্যায় ভাগবত সে বেদান্ত সে বহুত সারে লেকিন এসব বহুত লম্বা চারা সময় লাগ যায় যো ভি হ্যায় তো উপদ্রষ্টা এ আত্মা ইয়াদ হ্যায় না এই ভাগবত সে আমনে উঠায়া থা এই শ্লোক কো ও যো পরীক্ষিত মহারাজ নে প্রশ্ন কিয়া থা সর্বদৃক উপদ্রষ্টা তং ভজনো নির্গুণো ভবেত এ শ্লোক কা চর্চা কিয়া থা ভাগবত কা দশম স্কন্ধ কা পরীক্ষিত মহারাজ কে রে যে মহারাজ এক প্রশ্ন হ্যায় দেব দেবী কা পূজা করো দেবী মৈয়া কা চণ্ডী মৈয়া কা ভবানী মৈয়া কা ও শিবজি মহারাজ কা পূজা করো আর মালামাল হয়ে যাতা আব এসা কি এসা কিউ হ্যায় জব ভগবান কা যো ভজন করতা হ্যায় ও সো উসকা নঙ্গাপন হ্যায় ও নঙ্গা হ্যায় নঙ্গাপন নেই ও কুছ নেই হ্যায় উসকা ও কুছ প্রাপ্ত করনা নেই চাহতা এক এসে কেসে হ্যায় হ্যায় ইসকা আপ প্রশ্ন কিয়া থা পরীক্ষিত মহারাজ জি নে সুখদেব গোস্বামী সুখদেব গোস্বামী নে ইয়ে প্রশ্ন সুখদেব গোস্বামী নে ইসকা উত্তর দিয়া পরীক্ষিত মহারাজ কা প্রশ্ন যে এদে দেব দেবতা সবকা পূজা করে আর ও বহুত কুছ প্রাপ্ত হতা হ্যায় লেকিন ভগবান কা ভক্ত অক্সর দেখা যাতা হ্যায় কুছ নেই হ্যায় লোটা সোটা লঙ্গোটা এ কিয়া কারণ হ্যায় মহারাজ ইসকা উত্তর দিয়া ইসকা চর্চা আগলে সপ্তাহ করেঙ্গে সর্বদৃক উপদ্রষ্টা ইসকা সাথ মিলতা মিলতা জুলতা হ্যায় না এই যে উপদ্রষ্টা অনুমাত্বা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ ইসকা সাথ মিলতা জুলতা হ্যায় ইসলিয়ে এই শ্লোক কো উঠায়া ইহা বতা গয়া সর্বদৃক উপদ্রষ্টা তং ভজনো নির্গুণো ভবে ভগবান কা ভজন নির্গুণ হতা হ্যায় গুণময় শরীর দেকর মন লেকর ভাবনা লেকর যো কুছ ভি হ্যায় সব মেটেরিয়াল ইম্পসিবল নেক্সট টু ইম্পসিবল এ সব জড় বস্তু লেকর জড় মন হ্যায় জড় বিচার হ্যায় জড় বুদ্ধি হ্যায় জড় শরীর জড় সম্পত্তি যো কুছ ভি সব এ সব বেকার হ্যায় হো নহীঁ সকতা ইসকে লিয়ে শুদ্ধি হোনা জরুরি হ্যায় শুদ্ধি হোনা জরুরি হ্যায় যো শ্লোক দেকে শুরুয়াত কিয়ে ইয়াদ হ্যায় না ভক্তি যোগেন মনসি সম্যক প্রণীত অমলে অপশ্যত পুরুষম পূর্ণম ময়ঞ্চ তদপাশ্রয়ম জয়াসন মহিতো জীব আত্মনম ত্রিগুণাত্মকম পরোপি মনুতে অনর্থম তৎকৃতম চাভি পদ্ধতে বাঞ্ছা কল্পতর্বশ্য কৃপাসিন্ধু ব্যবচ পতিতানাং পাবন ভবৈষ্ণবভ্যো নমো।